अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म बड़े मियां छोटे मियां को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। फिल्म रिलीज होने के लिए तैयार हैं और ऐसे में दोनों सितारे फिल्म का जबरदस्त प्रचार कर रहे हैं। बीते सोमवार को वे फिल्म के प्रचार के लिए लखनऊ में थे और उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। अक्षय टाइगर के एक कार्यक्रम के दौरान भगदड़ मच गई, भीड़ बेकाबू हो गई, जिसे काबू करने के लिए सुरक्षा कर्मियों को लाठी चार्ज का सहारा लेना पड़ा। दरअसल सोशल मीडिया पर अक्षय और टाइगर के कार्यक्रम के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। टाइगर और अक्षय ने फिल्म के प्रचार के समय फैंस को लाइव एक्शन स्टंट भी करके दिखाया। इस दौरान उत्साहित फैंस की भीड़ इतनी बढ़ गई कि उन्हें काबू करना मुश्किल हो गया। अचानक कार्यक्रम में बवाल मच गया, प्रशंसकों को भीड़ में चप्पलें फेंकते देखा गया और लगभग भगदड़ मच गई। वायरल वीडियो में यूपी पुलिस को भीड़ को काबू करते हुए देखा गया, लेकिन भीड़ बेकाबू हो गई और ऐसे में पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। उन्होंने भीड़ को बवाल मचाने से रोकने की कोशिश की। इस दौरान अक्षय और टाइगर भीड़ से सुरक्षित दूरी पर थे। आयोजकों की ओर से दावा किया गया कि प्रशंसकों ने सितारों द्वारा उनकी ओर फेंकी गई वस्तुओं को पकड़ने के लिए हाथापाई की, जिससे उन्हें रोकने के लिए लगाए गए बैरिकेड्स टूट गए। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ ने लखनऊ में अमर उजाला संवाद 2024 में भी हिस्सा लिया। उन्होंने सिनेमा के एक्शन पर बात की। टाइगर ने अक्षय को भारत का टॉम क्रूज बताया और कहा कि वे बेहद खुश हैं क्योंकि उन्हें असली एक्शन खिलाड़ी के साथ काम करने का मौका मिला। वहीं अक्षय ने भी टाइगर की तारीफ की। उन्होंने कहा कि उन्हें टाइगर से बहुत कुछ सीखने को मिला है। वहीं बात करें बड़े मियां छोटे मियां के बारे में तो अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म ईद के मौके पर सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। इस बहुप्रतीक्षित फिल्म का निर्देशन अली अब्बास जफर ने किया है। फिल्म में मानुषी छिल्लर, सोनाक्षी सिन्हा, अलाया एफ और रोनित रॉय जैसे कलाकार भी अहम भूमिका में हैं। फिल्म का निर्माण वाशु भगनानी और पूजा एंटरटेनमेंट ने मिलकर किया है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग समाग्राम।